प्रतीक्षा चौहान। सिक्स ग्रेड में मैं हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। हम पहली बार मिले हैं। आज मैं हिंदी में व्याकरण का टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। आप हिंदी हमारी मातृभाषा है। आप व्याकरण में कई टॉपिक पढ़ चुके होंगे और उन्हीं टॉपिकों में से एक टॉपिक विराम चिन्हों के बारे में आज मैं सिखाऊंगी। विराम चिन्हों का मतलब क्या है? तो देखो, विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, रुक जाना, बोलते बोलते रुक जाना या ठहर जाना। भाषा में बोलने या पढ़ते लिखते समय जो रुकने का संकेत करते हैं वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। फिर से एक बार, भाषा में बोलने या पढ़ते लिखने के समय जो रुकने का संकेत करते हैं वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। उपयोग देते हैं विराम चिन्हों का प्रयोग अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। अगर विराम चिन्ह का उपयोग करेंगे तो हमें अर्थ स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे रोको मत जाने दो, यहाँ पे जो यहाँ पे विराम चिन्ह लगाएंगे तो उसका अर्थ होगा रोको मत जाने दो, एक अर्थ होगा। और यहाँ पे जो हम विराम चिन्ह लगाएंगे तो उसका अर्थ होगा रोको मत जाने दो। हुआ ना दो अर्थ? फिर से रोको, अल्पविराम का प्रयोग करेंगे तो रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, दो अर्थ हुए ने? तो इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का उपयोग बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहला विराम चिन्ह देखेंगे। पहला है पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई जैसा, खड़ी लाइन हो ऐसा। कब वहाँ पे उसका उपयोग किया जाता है वो हम वाक्य में देखेंगे। हर वाक्य के अंत में, हर एक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, छंद के अंत में, छंद या कोई पहेली कड़ी हो तो उसके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। परंपरागत बात समाप्त होने पर, कोई बातचीत करते हैं और बात को पूर्ण करते हैं तब पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल देखेंगे कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, एक कहावत है। फिर आगे प्रेम, दूसरा एग्जांपल देंगे, प्रेम आध्यात्मिक भोजन है, प्रेम आध्यात्मिक भोजन है। अब हम दूसरे विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। अल्प विराम, ये रहा हमारा अल्प विराम का निशान यानी कि चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह। देखते हैं, समानाधिकरण शब्दों के बीच अल्प विराम आता है। कैसे शब्दों के? समानाधिकरण शब्दों के बीच अल्प विराम आता है। जैसे युग पुरुष फिर अल्प विराम का निशान, गांधी जी देश के अमूल्य रत्न थे। यहाँ पे हम अटकते हैं, युग पुरुष गांधी जी देश के अमूल्य रत्न थे। फिर उनका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है उसके बारे में, किंतु परंतु पर लेकिन मगर तो भी, ऐसे आदि कई शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में वह, तो, तब, कैसा आदि युक्त शब्द होने पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उपवाक्यों में विराम का प्रयोग किया जाता है, उपवाक्य हो उसमें भी इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छंदों के बाद या चरण के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। आपने छंद देखे होंगे तो वहाँ पे एक लाइन पूरी होती है तब पूर्ण विराम आता है, और आधी लाइन होती है तो रुकने या अटकने यज्ञ के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। महीना और सन के बीच में अल्प विराम का
प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया जाता है और यह है प्रश्नार्थ चिन्ह का निशान चिन्ह यानी कि निशान। हम आगे देखेंगे आश्चर्य चिन्ह। आश्चर्य होना, हम किसी को कुछ बताते हैं तो कोई कुछ होता है और हम सुनते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हो जाते हैं ना, तो आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग होता है वहां पे, तो आश्चर्य चिन्ह का निशान यह है। नहीं सबला है, नारी अबला नहीं सबला है।